धामनोद के निकट बेगुंदा पुनर्वास में 29 करोड़ की लागत से 491 सीटर सर्व सुविधा युक्त कहलाने वाला कन्या शिक्षा परिसर बनाया गया। इसका लक्ष्य और उद्देश्य था बच्चों को उच्च शिक्षा स्तर CBSE पैटर्न में व सारी सुविधाएं देना जो कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल स्तर के बच्चों को मिल रही हैं। लेकिन अब यहाँ पर सब उल्टा हो रहा है। यहाँ पर ना ही वर्तमान पेयजल है, ना ही लाइब्रेरी में पुस्तकें और लेबोरेटरी, केवल एक बिल्डिंग बना करके शासकीय स्तर पर बच्चों को रहने की सुविधाएं दी गई हैं। यदि शैक्षणिक स्तर की बात की जाए तो 464 बच्चों के बीच में मात्र 6 शिक्षक ही मौजूद हैं। बहरहाल सारी व्यवस्था राम भरोसे चल रही है। शिवराज सरकार आदिवासियों की ओर बड़े स्तर से अभियान चला करके उनको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो शैक्षणिक संस्थाएं उनके लिए खोली गई हैं उनके हाल की पोल खुल रही है कि कहीं ना कहीं उनकी योजनाओं को पलीता उनके अधिकारी ही लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। छह ही सर पढ़ाते हैं और सारे पीरियड तो लगते ही नहीं है, दो ही पीरियड लगते हैं, इसलिए हम आए नहीं। फिर आप लोगों ने किसी शिकायत करी थी? हाँ करी थी। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, बोला था कि हो जाएगा, सर आएंगे, अतिथि बोल रहे थे सर, लेकिन कुछ नहीं हुआ, रोज ऐसा ही चलता रहता, दो पीरियड लगते हैं बस। का मामला यही है कि यहाँ पर कन्या शिक्षा परिसर हॉस्टल 2017 से बन रहा है और अभी तक बन करके पूर्ण रूप से तैयार हो चुका है। यहाँ पर 27.5 करोड़ का परिसर बना है। यहाँ पर 491 बच्चियों का हॉस्टल है। यहाँ पर अभी तक कोई शिक्षकों की स्थायी रूप से भर्ती नहीं हुई है और आवास में जो परिसर में जो आवास बने हैं पालक शिक्षकों का, उस आवास परिसर में शिक्षक भी नहीं। हॉस्टल में मैं इसलिए आया हूं कि पालकों ने मुझे सूचना दी सुबह कि हमारे बच्चे चले गए हैं 25 दिन से। कारण बताया कि कारण यह रहा कि हमारे यहाँ स्कूल में और हॉस्टल में पीने का पानी ना।